इटावा से बड़ी खबर, सैफई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, संभाले नहीं समलराज जनसैलाब। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोग पहुंच चुके हैं। सभी अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए उतावले हैं। लोगों में एक दूसरे को धकेलकर आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। मंच पर सांसद से लेकर विधायक और यहां तक कि बड़े नेता भी लाइन में। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, देवेंद्र सिंह भोले, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लाइन में लगकर ही मंच श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों में नेताजी की आखिरी बार देखने की ऐसी लालसा थी कि पंडाल में लगे खंभे पर चढ़ गए और फोटो खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे। भीड़ बढ़ने से मची अफरा तफरी और उमस से पंडाल में 3-4 लोग बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच तक ना पहुंच पाने लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग बैरिकेडिंग के नीचे और ऊपर से निकलकर मंच की तरफ बढ़ने लगे। इसको देखकर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर के आग्रह पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने माइक संभालकर लोगों से मार्मिक अपील की, लेकिन भीड़ अपने नेताजी के पास पहुंचने के लिए थम ही नहीं रही थी। पुलिस ने भारी सुरक्षा का घेराव तैयार किया था, मगर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो गया। मंच के सामने जो डी तैयार किया गया था उसमें भी लोग घुस आए। उधर सैफई आने वाले सारे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए। सुबह 10 बजे तक 1 किलोमीटर दूर से ही कारों का रोका जा रहा था, मगर बाद में पैच। सुबह 10 बजे तक 1 किलोमीटर दूर से ही कारों को रोका जा रहा था, मगर बाद में ये दायरा लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंच गया। Thank you.